बट अगर इन लोग चाहे और यहाँ पे अगर मेगा के साथ इनकी अर्ली फाइट में कुछ दिक्कत ना हो तो यहाँ पे दे आर हेडिंग फॉर अ गुड अच्छे किल्स के आगे चिकन डिनर की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रॉलर्स ने नीचे से रोटेशन स्टार्ट कर दिया है, वहाँ फिजर ने ऑरेंज रॉक के मवी को नेट से उड़ा दिया। यस एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो स्क्वाड और एलिमिनेट हो चुके हैं। नाइन नंबर पोजीशन पे आई यहाँ पर पैराडॉक्स ने कैरी को नॉक एंड फाइनल बॉस ने यहाँ पर नोवा को नॉक एंड एनकोर भी यहाँ पर नॉकआउट हो चुका है बाय एंड कंफंडी हो चुका है बाय आइकॉनिक। यहाँ पर हाइड्रा का स्क्वाड रोटेशन मार रहा है एंड यहाँ पर बहुत ही प्यारा स्प्रे कर रहा था वेस्ट लेकिन पीछे आ चुका है क्योंकि उसको पता है सामने से अगर कवर पड़ाएगा तो नॉकआउट होगा तो पीछे से फाइनल बॉस का स्क्वाड पुश कर सकता है। फ्रोस्ट यहाँ पर ब्रिलियंट हो चुका है, जीरो डिग्री से सूर्य जोन के बाद एलिमिनेट हो चुके थे तो वे डाउन टू सिक्स स्क्वाड। स्नैक्स ने यहाँ पर आइकॉनिक को नॉकआउट कर चुका गार ब्लस्ट में एंड यहाँ पर ब्रॉलर्स का स्क्वाड मुश्किल सिचुएशन में देखने को मिल रहा था भाई। एंड यहाँ पे एंट्री ईटीजी के लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि लोग पूरे ओपन में हैं। स्नैक्स और पैराडॉक्स जा रहे हैं पर यहाँ पे ओवेस ने टैप फायर से नॉक किया पैराडॉक्स को एंड स्नैक्स ने वहाँ पे एनटीटी गेमिंग को पूरा फिनिश ऑफ कर दिया। मेगा के पास यहाँ पे मेगा एक्स और मेगा साथ दोनों के पास यहाँ पे काफी किल्स आते हुए अपने टीम के लिए। ओवेस ने वहाँ पे एमएक्स से पैराडॉक्स का किल सिक्योर किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेगा वैक्सिया किस लिए फोर मैन इन लोग अभी भी अलाइव है अपने सामने वाले टीम से फाइट लेकिन अभी ले नहीं रहे। यस देखोगे तो मेगा स्टार्स एंड हाइड्रा दोनों स्क्वाड चार चार करके बंदे अलाइव है, एक स्पार्क से तीन बंदे, मेगा एक्स से अकेले एंड ऑरेंज रॉक से भी अकेले। तो ऑरेंज रॉक टॉप फाइव में हर मैच पे पोजीशन सिक्योर कर रहे हैं। वहाँ पर ब्रॉलर्स के लिए थोड़ा खराब हुआ कि वो लोग सिक्स पोजीशन में आउट हो चुके हैं एंड कितने किल्स लिए थे वो हमको देखना पड़ेगा लास्ट में क्योंकि ब्रॉलर्स का आज आखिरी दिन है। सब मैच जो टीम्स यहाँ पर खेले सबके लिए आखिरी दिन है कि वो लोग दे हैव टू कम हार्ड दे हैव टू कम एंड वहाँ पर संदूक जोन के बाहर है, जोन के बाहर ही हिल वेडर कर रहा है, वो अपना किल सामने वाली टीम को देना नहीं चाहता, वो सोच रहा है कि एक बंदा वहाँ पर जोन खत्म हो जाए तो क्लियर होगा एंड संदू वहाँ पर प्ले जोन में खत्म, अपना किल सामने वाली टीम को नहीं दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करेगा इस पोजीशन में। एट द लास्ट जितना मेरे को लग रहा है अगर हाइड्रा का स्क्वाड यहाँ पर पुश करता है टीम स्पार्क के ऊपर तो यह बस ट्रायंगल फाइट जो होगा क्लोज रेंज में वो बहुत ही खतरनाक होगा एंड मेगा स्नैक्स वहाँ से आराम से जो उनके अंदर आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर दो स्क्वाड जो है अब मेगा स्टार्स एंड टीम स्पार्क ये मैं जो बोला था दो स्क्वाड अगर फाइट ना ले एंड सामने की कोई भी स्क्वाड को अगर आने ना दे तो बहुत ही अच्छा होगा इन दोनों का लास्ट में फाइट है। पर फाइनल बॉस ने स्पॉट तो कर चुका है लेकिन हाइड्रा के लिए थक भाई जोन के अंदर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने, हाइड्रा के लिए यहाँ पे जोन के अंदर आना बहुत ही मुश्किल हो रहा है स्पेशली जब परितोष ओवेश और रौनक यहाँ पे उन पे नजर टिकाए बैठे हैं एंड ऑल्सो सेम फॉर मेगा। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात आज मैं पूरे दिन में क्या देखना चाहूंगा कि ऑरेंज रॉक और टीएक्स ये दोनों टीम जब एक दूसरे के भिड़ रहे हैं तो इनका स्ट्रेटेजी क्या रहता है, बिकॉज देखिए दोनों टीम जोन का सेंटर चेंज करने की कोशिश करते हैं, दोनों टीम्स क्लीन एंड मूव फॉरवर्ड के बीच में रेस करते हैं, कौन सा टीम यहाँ पे जब इनका हेड टू हेड फाइट हो रहा है 14 अदर बाकी टीम्स के साथ तब इन लोग किस तरह से अपना प्रदर्शन दिखा पाते हैं वो मुझे देखना है। यहाँ पे रौनक का बहुत ही प्यारा स्प्रे एंड लिटरली एक्सपेरिमेंट पर बात यह है कि यहाँ पे रौनक ने इतना बेहतरीन स्प्रे दिया कि हाइड्रा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती थी, हेल्पलेस एंड यहाँ पे फाइनल बॉस किल चुराते हुए जॉम्बी को नॉक किया एंड आई गेस हाइड्रा बहुत 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 ट्रबल में एंड मेगा ऑल तो चार मैन अलाइव है पर अभी तक उन लोग अपने लिए किल्स ज्यादा नहीं निकाल पाए हैं। यस मेगा से चार बंदे बट अलाइव है, तीन किल्स हो चुके हैं इधर पीछे से थर्ड पार्टी करते हुए वेस्ट के ऊपर नॉकआउट कर चुका है। ये नेट से वेस्ट क्लियर आउट हो सकता है अगर कुक नेट होता है हंडे पूरा कुक से यहाँ पर वेस्ट क्लियर आउट हो सकता है, वेस्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ एक और नेट किया जा रहा है, परितोष भी इस नेट से नॉकआउट हो सकता है भाई तो टीम स्पार्क के लिए यहाँ पर मुश्किल होगा एंड वही हुआ जो मैं बोला वेस्ट यहाँ पर नॉक क्लियर आउट परितोष यहाँ पर नॉक अभी टीम स्पार्क के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है इस पोजिशन में एंड मेगा स्टार का स्क्वाड टीम स्पार्क के ऊपर निकल चुका है पुश करने। रौनक यहाँ पर 1v4 सिचुएशन राइट नाउ, रौनक अभी हाइड्रा के लिए एक चांस मिला है कि वो लोग जोन के अंदर आने का लेकिन हाइड्रा फोर्थ पोजीशन में एलिमिनेट हो चुका है एंड परितोष ने इधर रौनक भी क्लियर आउट। तो मेगा स्टार्स एंड मेगा एक्स दे आर द टॉप टू स्कोर राइट नाउ, मेगा स्टार्स एंड मेगा एक्स का जो मैंने बात किया था कि यहां पर अगर वो चुपचाप रहे तो आराम से सेकंड आ सकते हैं वही आ चुका है थक भाई। अब यहाँ पे ये चीज देख के मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि मेगा क्लैंक के लिए कितना प्राउड मूवमेंट होगा, एमएक्स और मेगा स्टार्स, मेगा एक्स और मेगा स्टार्स दोनों ही टीम्स इन टॉप टू जो बहुत ही बेहतरीन मतलब सिचुएशन है। यहाँ पे टीम एक्स बहुत ही प्यारा खेल रहे थे पर वहां पे आई थिंक जो रिवाइव था वो अगर थोड़ा सा अंदर की तरफ आके करता परितोष ओवेस को तब यहाँ पे सीन कुछ और होता, पर टीम एक्स भी काफी अच्छा खेली टॉप थ्री गए उन लोग काफी किल्स निकाले। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे एमएक्स ऑलरेडी 8 किल के साथ एंड मेगा की टीम
सामने 8 किल के साथ, एंड शायद टीम एक्स पार भी 8 किल के साथ ही गई थी। तो यहाँ पे दो तीनों टॉप तीन टीम्स जो है 8-8 किल के साथ बैठे हैं। यहाँ पे 4v1 का सिचुएशन है। स्नैक्स अगर यहाँ पे क्लच कर जाता है तो उसके लिए बहुत ही कुछ अलग होगा, पर बट लेट्स स्टिल वेट एंड वॉच क्या होता है। जोन में तो वो आ चुका है लेकिन क्लच करने पर बहुत मुश्किल है। अगर वो एक भी किल अपने लिए निकाल लेता है तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा उसके लिए। एंड चारों के चारों बंदे मेगा स्टार से एक ही लाइन ऑफ फायर में आते हुए, तो वो एक ही लाइन ऑफ फायर में अगर चारों के चारों बंदे आए, एक बंदे का अगर नॉक कर पाओगे तो रिमेनिंग बंदे आपको क्लियर करेंगे। वही हुआ एंड मेगा स्टार्स गॉट द चिकन डिनर विद 9 किल्स। मेगा एक्स सेकेंड पे है विद 8 किल्स। पार्क यहाँ पर थर्ड पे है एंड यहाँ पर रिमेनिंग स्क्वाड जो राइट पे है। बहुत ही प्यारा मैच गया एंड बहुत ही प्यारा जोन कटा था थक भाई इस मैच में। अब यहाँ पे टीम एक्स पार्क 4 किल निकालते हुए मेगा एक्स का आपने बताई दिया। वहां पे आपने देखा था ऑरेंज रॉक भी अच्छा कुछ 6-7 किल निकाली थी।